सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर की 84 पुलिस ने फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी दुल्हन व मुख्य आरोपी दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फर्जी दुल्हन व दलाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से दुल्हन को जेल भेजने के आदेश हुए। वहीं दलाल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें रमेश जैन नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। दुल्हन ने 1,20,000 रुपए मिलने के बाद शादी वाले दिन ही रास्ते में कपड़े खरीदने के बहाने उतरकर भाग गई थी। थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि मामला सामने आते ही टीम गठित की गई। जिले के पालीसोड़ा फला नानका नला निवासी यमुना उर्फ नीता पत्नी रमेश दामोर व सलुम्बर जिला निवासी ललित उर्फ टाइगर पुत्र देवीलाल मसार को डिटेन कर पूछताछ की गई। फर्जी दुल्हन यमुना उर्फ नीता डामोर व ललित व उसके अन्य साथियों ने मिलकर भातु भाई रावल के साथ षड्यंत्र रचकर वारदात करना स्वीकार किया। ये पूरा मामला 31 अक्टूबर 2023 का है। 5 नवंबर 2023 को दाहोद जिले के डुंगरा निवासी भातु भाई पिता कालू भाई रावल ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी सगाई भिंडा में नीताबे नाम की लड़की के साथ बिचौलिया ललित नाम के व्यक्ति ने कराई थी। जामंदी होने से लड़की पक्ष ने 2,20,000 रुपए नकद लेना तय किया था। आरोपी से पुलिस रिमांड में रमेश जैन का भी नाम सामने आ रहा है। रमेश जैन भी सलूबर जिले का बताया जा रहा है। पूरे मामले का पुलिस जल्द करेगी खुलासा। दिनांक 5/11/23 को प्रार्थी भातु रावल निवासी डुमरा दाहोद जिला गुजरात ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि ललित मसार और रमेश जैन ने एक लड़की बताई थी बिंडा गांव में, जहां रणछोड़ की लड़की बताकर मेरे से शादी कराई थी और 1,20,000 रुपया दिया था और 1,00,000 रुपया बाकी था। कुल 2,20,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। लड़की से शादी हुई, शादी की रस्में पूरी करने के बाद में बिंडा से मैं बराती के जा रहे थे करावाड़ा में। लड़की कुछ लेने के बहाने नीचे उतरी और एक बाइक वाला आया जो बाइक पर बिठा कर लेकर भाग गया और इस तरह से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से ललित मसार, रमेश जैन ये लोग फर्जी शादियां कराते हैं लड़कियां तैयार करके और सब मिलके पैसे लेके, और लड़की गंतव्य स्थान तक पहुंचती नहीं है और इससे पहले भगा देते हैं या जाती भी है तो एक दिन में भाग जाती है और पैसा हजम कर जाते हैं।